सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च किया गया है। तो इस स्कूटर में कुछ कमी भी है, कुछ इसमें अच्छी बातें भी हैं, क्योंकि कोई भी स्कूटर में कुछ अच्छी चीजें और कुछ आपको बुरी चीजें देखने को मिल जाती है। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि क्या इसमें आपको अच्छी चीज देखने को नहीं मिलती है, क्या इसमें अच्छी चीज देखने को मिल जाती है, जिससे कि खरीदने में आपको भी आसानी हो जाएगी कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे प्रो और कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसके कमियों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसकी कमी जो देखने को मिल जाती है, सभी लोगों का मानना है कि इसकी प्राइसिंग, क्योंकि इसको जब पहली बार लॉन्च किया गया था, जब रिलीज किया गया था, उस समय इसकी प्राइसिंग 1,10,000 रुपए यानी कि 1,10,000 रुपीज रखी गई थी, जो कि एक्सिमम प्राइस थी फेम टू सब्सिडी के बाद। लेकिन अभी इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, इसकी फेम टू सब्सिडी के बाद एक्सिमम प्राइस 1,45,000 रुपीज यानी कि 1,45,000 रुपए तक रखी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बात लोगों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि 2 साल वेट करने के बाद इसको कंपनी लॉन्च किया है और इसकी प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं पहली कमी तो यही लग रही है। जो दूसरी कमी है कि स्कूटर तो आप खरीद लेते हैं, इस पे आपको 750 वाट का चार्जर चाहिए, तो आपको उसके लिए 13,000 यानी कि 13,000 रुपए तक एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। कहीं ना कहीं ये सारी जो इलेक्ट्रिक कंपनी है, जो एप्पल आईफोन आते हैं उसको कॉपी कर रही है, उनके जो फीचर्स है वो कॉपी कर रही है, जिनकी स्ट्रेटजी है उनको कॉपी कर रही है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल बात करेंगे, यहाँ पे केवल कमियों के बारे में बात करते हैं। तीसरी कमी जो देखने को मिल जाती है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, सिंपल वन की जो बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जा रही है, क्योंकि मैंने काफी सारे रिव्यूज देखे हैं जहाँ पे इस स्कूटर में कहीं कहीं पे आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी चीप लगेगी, थोड़े से चीप क्वालिटी के प्लास्टिक का यूज किया गया है। क्योंकि कंपनी इसको पहली बार डिलीवर कर रही है, तो कहीं ना कहीं जब नेक्स्ट फेज में कंपनी स्कूटर बनाएगी तो कहीं ना कहीं इन कमियों को दूर करेगी। लेकिन अच्छी चीज ये देखने को मिल जाती है कि इसकी जो डिजाइनिंग है वो लोगों को काफी पसंद आ रही है। वह इसके चौथे कमी की अगर बात करें तो इसकी जो मेन बैटरी है जो फ्लोरबोर्ड पे दी गई है, अगर वो डिस्चार्ज हो जाती है, अगर आप उसको यूज कर लेते हैं, तो बची हुई जो बैटरी कैपेसिटी है जो इसके बूट स्टेज में दिया गया है, उस बैटरी से केवल आप इस स्कूटर को इको मोड में चला सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको इसकी ड्रॉबैक देखने को मिल जाती है। बाकी पांचवें कमी की अगर बात करें तो आप सभी को लगेगा कि इसकी जो सर्विस है वो कराने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के कहीं पे भी शोरूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो सर्विस कराने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आगे चल के ये भी दिक्कत दूर हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए ये भी आपको एक कमी देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी कमी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी इसके अलावा भी आपको कौन सी कमी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस स्कूटर की कुछ अच्छी जो बातें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस स्कूटर की जो पहली अच्छी बात है कि इसमें आपको पावर और टॉर्क काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है, जिसके वजह से जो एक्सेलरेशन है वो आपको इस स्कूटर में बढ़िया देखने को मिल जाती है। इसके साथ ये 0-40 की एमपीएस रफ्तार मात्र 2.77 सेकंड पकड़ लेती है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दूसरी इसमें आपको एक अच्छी चीज मिल जाएगी, इसमें आपको एक फिक्स बैटरी तो मिल जाती है, बाकी सभी स्कूटर्स में आपको देखने को मिलता है जो प्रीमियम सेगमेंट में, लेकिन इसमें एक रिमूवेबल बैटरी भी दी गई है जिसको हम निकाल के घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसके बाद तीसरा आपको अच्छी चीज देखने को मिल जाएगी वो इसकी रेंज है। ऐसे कोई स्कूटर नहीं है इस प्रीमियम सेगमेंट में जो कि इतना अच्छा रेंज दे, जो कि आईडीसी रेंज 212 किलोमीटर पर चार्ज की है। जब बैटरी आपकी 6% तक अभी बची होगी तब ये 212 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज देगी। हालांकि जो एक्चुअल रेंज होगी वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम मिलेगा, 180 के आसपास पर चार्ज में माइलेज मिल सकता है, लेकिन वो इसमें अलग अलग मोड में चलाते हैं तो रेंज भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। इको मोड में आपको बढ़िया रेंज देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें एक और भी चीज अच्छी देखने को मिल जाती है, ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो बूट स्पेस है वो बड़ी देखने को नहीं मिलती है, जिसमें खासकर रिमूवेबल बैटरी दिया गया हो, लेकिन इस स्कूटर में 30 लीटर का आपको बूट स्पेस भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप हेलमेट वगैरह रख सकते हैं। लेकिन यही है, अगर आप बड़ा चार्जर रखेंगे 750 वाट का तो कहीं ना कहीं हेलमेट रखने का आपको जगह यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप स्कूटर घर पे चार्ज करते हैं तो ऐसे में एक हेलमेट आराम से रख सकते हैं, तो ये भी एक आपको अच्छी चीज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इस स्कूटर में और भी क्या आपको अच्छी चीज लगी या फिर बुरी चीज लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी और इस स्कूटर के बारे में अच्छी या बुरी चीजें पता चल सके। बाकी ओवरऑल ये स्कूटर तो प्रीमियम सेगमेंट में काफी बढ़िया है, मोस्ट ट्रेंडिंग ये स्कूटर चल रही है इस समय। वहीं इसकी पहली डिलीवरी भी 6 जून से स्टार्ट की जाएगी बेंगलोर में, और काफी सालों का ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि जो पहले 1,10,000 की जब इसकी प्राइस थी उस समय बुक कराए हैं, क्या उनको नया प्राइस देना होगा? तो आपको बता दें, हाँ, जो पहले बुकिंग कराए हो या फिर इस समय जिसको लेना हो उसको नए प्राइस पे स्कूटर खरीदना होगा। कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सपेंसिव स्कूटर तो जरूर है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।